नमस्कार, खेल अड्डा में आपका स्वागत है। एशिया कप 2022 में टीम इंडिया ने अपने मिशन की शुरुआत जीत के साथ की है। 28 अगस्त को खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर अपने मिशन का आगाज किया। इसी दौरान फैंस को रोमांचक मैच भी देखने को मिला, क्योंकि एक लंबे वक्त के बाद भारत पाकिस्तान की टीमें आमने सामने थी। लेकिन अब फैंस को दोबारा इन दो टीमों को भिड़ते हुए देखने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसी एशिया कप में दो मौके और हैं जब भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले हो सकते हैं। क्योंकि एशिया कप में कुल 6 टीमें खेल रही हैं, जिन्हें 3-3 के 2 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान और हांगकांग है, जबकि ग्रुप बी में अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम है। ग्रुप ए में अभी भारत नंबर 1 पर है और वहीं पाकिस्तान नंबर 2 पर है और हांगकांग भी नंबर 1 पर है। अब भारत और पाकिस्तान दोनों का मुकाबला हांगकांग से होना है। अगर दोनों ही टीमें अपना मैच जीत जाती है और कोई भी उलटफेर नहीं होता है तो पॉइंट टेबल की तस्वीर साफ होगी, जिसमें अपने ग्रुप में भारत नंबर 1, पाकिस्तान नंबर 2 पर रहेगा। आपको बता दें कि लीग मैच के बाद सुपर 4 फेज की शुरुआत होगी, जहां अपने अपने ग्रुप की टॉप 2 टीमें मैच में होंगे। ऐसे में भारत और पाकिस्तान की टीमें 4 सितंबर को आमने सामने आ सकती हैं, क्योंकि यहां पर A1 और A2 टीम का मैच होना है। इसीलिए इस रविवार शाम 7:30 बजे एक बार फिर दुनिया भारत पाकिस्तान की जंग देख सकती है।